जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले भी हमने जीएसटी के बारे में पढ़ा था, पिछली वीडियो में जीएसटी का मीनिंग पढ़ा था, और जो एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था कि टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया बिफोर जीएसटी एंड आफ्टर जीएसटी, जीएसटी के आने से पहले और जीएसटी के आने के बाद इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था और आने के बाद कैसा हो गया, ये रीड किया था। अब हम यहाँ पर जीएसटी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि इंडिया के अंदर इसे कब एप्लीकेबल किया गया, किस एक्ट के अंडर में ये आया, और जो बर्डन होगा टैक्स का वो किसके ऊपर होगा, कैसे इसको पे किया जाएगा, ये देखेंगे। तो सबसे पहले इससे रिलेटेड कुछ चार पांच इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी हेल्पफुल है पॉइंट, और जब आप जीएसटी के बारे में कोई भी टॉपिक लिखोगे, चाहे आपको कोई ऐसे लिखना हो या लॉन्ग या शॉर्ट क्वेश्चन लिखना हो, तब भी हेल्पफुल रहेंगे। जो जीएसटी था वो पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 160 कंट्रीज के अंदर इसे एप्लीकेबल किया गया है, अडोप्ट किया गया है जीएसटी को। जो सबसे पहला देश था जीएसटी को लागू करने वाला वो था फ्रांस देश, फ्रांस के अंदर सबसे पहले जीएसटी को एप्लीकेबल किया गया था। अब हमें यहाँ पर इंडिया के बारे में लिखना है कि इंडिया के अंदर कब से आया, तो इंडिया के अंदर इसे 1 जुलाई 2017 से अप्लाई कर दिया, एप्लीकेबल हो गया था जीएसटी पूरे इंडिया के अंदर 1 जुलाई से। लेकिन कंडीशन क्या है यहाँ पर, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर 1 जुलाई से पूरे इंडिया में ये एप्लीकेबल हो गया था। जम्मू एंड कश्मीर में ये 7 जुलाई से हुआ था एप्लीकेबल, मतलब पूरे इंडिया के अंदर 1 जुलाई से जम्मू एंड कश्मीर में 7 जुलाई से जीएसटी एप्लीकेबल हो गया था। अब अगर हम कोई भी चेंज करते हैं, अब यहाँ पर टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर चेंज हुआ था ना, जीएसटी के आने से पहले अलग टाइप से टैक्स लगता था, अलग स्ट्रक्चर था, आने के बाद सिंगल जीएसटी लगने लग गया था। तो इससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में भी अमेंडमेंट करनी पड़ी थी, मतलब कि संविधान के अंदर संशोधन करना पड़ा था, चेंज करना पड़ा था। तो वो चेंज किसके अंडर में हुआ था, 122 अमेंडमेंट थी वो कॉन्स्टिट्यूशन की। जब जीएसटी आया तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 122वां संशोधन यानी कि अमेंडमेंट किया गया था। अब हम जीएसटी से रिलेटेड और पॉइंट पढ़ते हैं। जीएसटी क्या है, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स है। जो हम जीएसटी की फुल फॉर्म पढ़ते हैं वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके फुल फॉर्म में इसका मीनिंग आ गया कि गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड टैक्स। ये कब लगता है, जब सप्लाई की जाती है गुड्स और सर्विसेज की, तब जीएसटी लगता है। अब जीएसटी को लाने के पीछे क्या रीजन था, जीएसटी के आने से पहले भी इंडिया का टैक्स स्ट्रक्चर था वो, उसमें भी टैक्स लगते थे, पहले भी टैक्स लगते थे, मतलब कि जीएसटी से आने से पहले। लेकिन फिर जीएसटी की रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, क्यों जरूरत पड़ी हमें जीएसटी को लेके आने की, तो इसके पीछे कई रीजन हैं। सबसे पहला रीजन तो ये है कि जो जीएसटी है वो इंडिया की जो टैक्स हिस्ट्री है उसके अंदर सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म माना जाता है। जीएसटी इंडिया की टैक्स हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा, सबसे बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म था, मतलब कि टैक्स को, सिस्टम को सुधारने के लिए एक तरह से जीएसटी को लाया गया था। अब इस पॉइंट को हम थोड़ा सा अपने पुराने वाले कंसेप्ट से रिलेट करेंगे। जैसे कि जीएसटी के आने से पहले इंडिया के अंदर जो इनडायरेक्ट टैक्स थे, गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड जो टैक्सेस थे, वो इतने सारे थे। देखो, एक्साइज ड्यूटी लगता था जब मैन्युफैक्चर होता था, सेल टैक्स लगता था जब इंटर स्टेट सेल की जाती थी, सर्विस टैक्स सर्विसेज से रिलेटेड था, कस्टम ड्यूटी इंपोर्ट ऑफ गुड्स पर लगती थी, वैट लगता था जब भी विद इन दी स्टेट सेल की जाती थी। जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन जीएसटी आने से पहले इतने सारे टैक्सेस लगते थे गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड। अब इतने सारे टैक्सेस जब लगते थे तो इनको रिकॉर्ड करना, इनकी जो रेट्स हैं उनको डिफाइन करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। जो पर्सन इनको गुड्स और सर्विसेज को परचेज कर रहा है, मतलब कि जो पे कर रहा है जीएसटी उसके लिए भी, और जो जीएसटी कलेक्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक बर्डन का काम था ये। और एक और यहाँ पर बात थी कि जो पुराना सिस्टम था, पुराने सिस्टम के अकॉर्डिंग जो टैक्स लगता था उसमें कई बार क्या होता था, किसी गुड्स के ऊपर, सर्विसेज के ऊपर कई बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। तो इन सब से बचने के लिए भी जीएसटी को लाया गया था, तो इसलिए इसे टैक्स की हिस्ट्री में सबसे बड़ा रिफॉर्म माना जाता है। अब जो जीएसटी है उसकी क्या पॉलिसी थी, वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के ऊपर जो है जीएसटी बेस्ड है, कि वन नेशन पूरे कंट्री के लिए एक टाइप का ही टैक्स लगेगा। नेक्स्ट है मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। ये बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस का मिक्सचर है जो कि हमने अभी क्लियर किया है यहाँ पर। ये इतने सारे जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं ये अब भी किसके अंदर मर्ज कर दिए गए हैं, जीएसटी के अंदर मर्ज किए गए हैं, तो इसलिए इसे बोला गया है कि मिक्सचर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। चार्ज ऑन सप्लाई, जब भी गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई की जाती है तो जीएसटी तब लगता है, ड्यूल जीएसटी।
अब इसके बाद हमने जो इसकी एप्लीकेबल से रिलेटेड पढ़ा था, इंडिया के अंदर 1 जुलाई से हुआ था एप्लीकेबल, जम्मू और कश्मीर में 7 जुलाई से हो गया था। अब इसके बाद और इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये जो टॉपिक अब हम रीड कर रहे हैं ये सिर्फ जीएसटी का बेस क्लियर करने के पर्पज है। जो आप आगे वाले चैप्टर्स पढ़ोगे उनमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, इसमें कुछ टर्म्स आई हैं वो क्लियर करने के लिए ये हम पढ़ रहे हैं, सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हमें लॉन्ग क्वेश्चन लिखना होगा ना जीएसटी से रिलेटेड कोई भी, तो उसमें एक आपके के साथ क्वेश्चन के साथ एक बड़ा क्वेश्चन कोई भी टॉपिक अटैच कर दिया जाएगा, लेकिन इंट्रोडक्शन आपको इसी तरीके से देनी पड़ेगी जीएसटी की, या फिर शॉर्ट नोट में पूछ लिया। अगर कि सिर्फ जीएसटी को एक्सप्लेन करो तब आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहला है कंप्रेहेंसिव टैक्स लेवी ऑन सप्लाई। अभी हमने ये ऊपर वाले पॉइंट में भी पढ़ा था कि जो जीएसटी है कब एप्लीकेबल होता है, कब उसको लेवी किया जाता है, गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई के ऊपर हम उसे कलेक्ट करते हैं, एप्लीकेबल होता है वो। नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल इनडायरेक्ट टैक्सेस। सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जो उनका एज अ सब्स्टिट्यूट वर्क करता है जीएसटी, क्योंकि जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस थे जीएसटी के अंदर मिला दिए गए थे, अब उनकी जगह पर हम किसे यूज कर रहे हैं, जीएसटी को यूज कर रहे हैं ना, तो उन इनडायरेक्ट टैक्सेस का सब्स्टिट्यूट क्या हुआ, जीएसटी। अब उसके अंदर मिलाए गए टैक्सेस हैं, पहले भी पढ़े थे, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, वैट, एक्साइज ड्यूटी, ये सब इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है थर्ड, यहाँ पर सिंगल टैक्स लेवीड एट ऑल स्टेजेस। सारी की सारी स्टेजेस होती हैं, जितनी भी होती हैं स्टेजेस, उसके अंदर सिंगल टैक्स अप्लाई किया एप्लीकेबल होता है, वो होता है जीएसटी। अब ये स्टेजेस कौन कौन सी हैं, ये यहाँ पर प्रोडक्ट किससे रिलेटेड है, मतलब जो आप गुड्स और सर्विसेज की सप्लाई कर रहे हो उनसे रिलेटेड स्टेजेस की यहाँ पर बात की गई है। स्टेजेस कैसे करेंगे हम डिफाइन, जैसे कि आपने प्रोडक्ट बनाया कोई भी, आप उसके मैन्युफैक्चरर हो, तो मैन्युफैक्चरर से वो प्रोडक्ट होलसेलर के पास गया, वो गुड्स या फिर सर्विसेज होलसेलर के पास अगर गई तो वो होगी उसकी एक तरीके से फर्स्ट स्टेज, फिर होलसेलर ने उसको रिटेलर को दिया, तो सेकंड स्टेज ले सकते हैं हम, वो रिटेलर ने किसको दिया, कंज्यूमर को दिया, तो ये इसकी थर्ड स्टेज होगी। तो इसे बोला गया कि सिंगल टैक्स लेवीड एट ऑल स्टेज, तो इन सारी की सारी स्टेजेस पर क्या होगा, सिर्फ जीएसटी ही अप्लाई होगा और अदर टाइप का टैक्स नहीं लगेगा। मतलब जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को दिया वो गुड्स, होलसेलर ने वो गुड्स परचेज किए तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर को जीएसटी पे किया, ऐसे ही होलसेलर ने जब रिटेलर को दिया तो रिटेलर ने जीएसटी पे किया, जब रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया तो कंज्यूमर ने जीएसटी पे किया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ है टैक्स ऑन वैल्यू एडिशन। ये वैल्यू एडिशन के ऊपर टैक्स लगाया जाता है जो जीएसटी होता है, मतलब कि जो आपका इन स्टेजेस से होकर गुड्स कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया तो इसके अंदर उन्होंने अपना प्रॉफिट मार्जिन ये सब प्लस करके कंज्यूमर को सेल किया होगा, क्योंकि रिटेलर अपना प्रॉफिट भी देखेंगे, वो बिजनेस कर रहे हैं एक तरीके से, तो अपना प्रॉफिट देखते हुए उन्होंने कंज्यूमर को सेल किया, तो जिस प्राइस पर उन्होंने कंज्यूमर को सेल किया है वो गुड्स उसी के ऊपर टैक्स लगेगा, और जो बर्डन होगा टैक्स का वो किसके ऊपर होगा, वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर होगा। अब यहाँ पर हमने जितनी भी स्टेज पढ़ी, ना तो यहाँ पर होलसेलर का बर्डन है, ना मैन्युफैक्चरर का, ना रिटेलर का, जो टैक्स का बर्डन है वो जीएसटी को पे करने का बर्डन गया किसके ऊपर है, वो गया है फाइनल कंज्यूमर के ऊपर, और कंज्यूमर उसे ही माना जाएगा जो फाइनली उस प्रोडक्ट को यूज करेगा, मतलब जिस पर्सन ने उसको खुद यूज करने के लिए खरीदा हो, उसने आगे सेल करने के लिए ना खरीदा हो, तो उसे फाइनल कंज्यूमर बोला जाएगा। अब इसी को हम एक एग्जांपल से देखते हैं, जो हमने ऊपर स्टेज पढ़ी थी, मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर, होलसेलर टू रिटेलर, रिटेलर टू फाइनल कंज्यूमर। वैल्यू ऑफ इनपुट, मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने कोई प्रोडक्ट बनाया, उसको होलसेलर को सेल कर दिया उसने 1000 में, और उसने अपना एडिशन कितना किया, वैल्यू ऐड करी 200 रुपीज की, उसकी ये मान लो कॉस्ट थी 1000, उसने 200 का अपना प्रॉफिट ऐड करते हुए, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हुए वो चीज बन गई 1200 की। अब उसने होलसेलर को दे दी, वो होलसेलर ने क्या किया, उसने 1200 की वो खरीदी थी ना वो प्रोडक्ट, तो उसने अपना प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर रख दिया 300 का, 300 उसमें ऐड कर दिया तो उसकी बन गई 1500 की, और उसने क्या किया रिटेलर को दिया जब, तो 1500 में दिया होलसेलर ने। अब रिटेलर क्या करेगा, वो भी अपना प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे, तो रिटेलर ने क्या किया 400 उसके अंदर इंक्लूड कर दिया अपने प्रॉफिट के, और उसने फाइनल कंज्यूमर तक वो गुड्स कितने में पहुंची, फिर 1900 में वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर तक पहुंच गए। अब ये तो हमने सिंपल उनका प्राइस देखा, अब उसके ऊपर टैक्स कैसे लगेगा, जीएसटी। मान लो जिस भी टाइप का गुड्स था हमें नहीं पता, हम मान के चलते हैं कि उसके ऊपर जीएसटी 10% था,
तो जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को बेचा, उसने वो बेचा 1200 में, तो उसके ऊपर 10% का जीएसटी 120 बन गया। ऐसे ही जब होलसेलर ने रिटेलर को दिया तो 1500 में दिया था, 150 का क्या बन गया उसका जीएसटी बन गया 10% की रेट से। जब रिटेलर ने कंज्यूमर को दिया तो रिटेलर ने कितने में दिया था, 1900 में दिया था कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर टैक्स पे करेगा तो कितना पे किया कंज्यूमर ने उसके ऊपर टैक्स, 190 रुपए का टैक्स। अब यहाँ पर आईटीसी लिखा हुआ है नेक्स्ट स्टेप में। आईटीसी क्या होता है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब इसको हम यहाँ से समझेंगे, जैसे कि जीएसटी को कंप्यूट कैसे करेंगे, कैसे हम जीएसटी को कैलकुलेट करेंगे। आउटपुट जीएसटी माइनस इनपुट जीएसटी, तो क्या आ जाएगा जीएसटी पेबल, जितना पे करना है। अब यहाँ पर जो ये आउटपुट जीएसटी है वो सेल के ऊपर है और इनपुट परचेज के ऊपर है। अभी आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे कि इनपुट जीएसटी परचेज के ऊपर कैसे है, मतलब कि या फिर जो पर्सन सेल कर रहा है वो टैक्स क्यों पे करेगा, कुछ इसको इस तरीके से देखते हैं। लेकिन इसको कैसे समझना है वो देखो। अब यहाँ देखो, जीएसटी ऑन सेल, जब गुड्स को सेल किया गया किसी अदर पर्सन को, जैसे कि होलसेलर को या रिटेलर को, जब सेल किया गया तो उनसे उन्होंने क्या किया होगा, मैन्युफैक्चरर ने या फिर किसी और पर्सन ने जीएसटी कलेक्ट किया होगा, जीएसटी लिया होगा, तो वो क्या हो गया, आउटपुट जीएसटी सेल के ऊपर। अब ऑन परचेज इनपुट जीएसटी कैसे है, मतलब कि जिस पर्सन ने उन गुड्स को परचेज किया है तो उन्होंने क्या किया होगा, जीएसटी पे किया होगा, तो वो हो गया एक तरीके से इनपुट जीएसटी। मतलब जिसने सेल किया, जब सेल किया गया वो कलेक्ट किया हुआ जीएसटी है आउटपुट, और जब परचेज किया तो पे किया हुआ जीएसटी है इनपुट। अब यहां से हम आईटीसी वाले पॉइंट को समझते हैं कि जब मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को गुड्स दिए, जो मैन्युफैक्चरर है उसने वो प्रोडक्ट खुद बनाया है, ठीक है, वो फाइनली जब गुड्स बनकर तैयार हुआ तभी उसके अकॉर्डिंग कि वो लग्जरी गुड्स में आता है या किस टाइप के नेसेसिटी प्रोडक्ट में आता है, उसके अकॉर्डिंग उसके ऊपर रेट डिफाइन हुई। जब वो बनकर तैयार हो गया, मैन्युफैक्चरर के द्वारा उसको बना दिया गया, तो मतलब कि मैन्युफैक्चरर ने एक तरीके से रॉ मटेरियल खरीदा होगा, फिर उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया होगा। तो मैन्युफैक्चरर ने जब होलसेलर को वो गुड्स सेल किए तो उसने टैक्स कोलेक्ट किया होलसेलर से 120 का, लेकिन प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने बनाया है तो पहले उसने उससे रिलेटेड कोई टैक्स तो नहीं पे किया ना, तो यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट उसका नील है। क्यों है नील, क्योंकि जो उसने होलसेलर से 120 रुपये कलेक्ट किए हैं होलसेलर से, वो उसको सारे के सारे गवर्नमेंट को पे करने पड़ेंगे। उसने कोई भी यहाँ से इनपुट मतलब कि कलेक्ट नहीं किया है, तो इस वजह से वो अपने उसको नहीं काट सकता इनपुट को, मतलब जो उसने टैक्स पहले पे किया हुआ है। तो आईटीसी का मतलब गवर्नमेंट एक तरीके से बेनिफिट देती है कि जब किसी पर्सन ने गुड्स फर्दर सेल के लिए अगर खरीदे हैं, तो जब जिस पर्सन ने गुड्स खरीदे हैं वो उस टाइम पे टैक्स पे करता है जब वो खरीदता है, लेकिन अगर वो उसको आगे सेल करता है तो वो उस पर्सन से जिससे उसने सेल किया है वहां से टैक्स कोलेक्ट करता है। अब उसने क्या किया, इस पर्सन से टैक्स कोलेक्ट कर दिया, लेकिन पहले खुद भी तो उसने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रखा है। अब यूज तो ये करेगा उसको, लेकिन टैक्स ये क्यों पे करेगा, तो इसने गवर्नमेंट क्या बेनिफिट देती है कि जो आपने मेरे को पहले टैक्स दिया हुआ है गवर्नमेंट को, इस पर्सन ने जो ये पर्सन है आगे सेल करने वाला, इसने गवर्नमेंट को जो टैक्स दिया हुआ है, जब ये इस पर्सन से टैक्स कोलेक्ट करेगा तो ये अपने उस टैक्स को यहाँ से काट सकता है, तो वो होता है आईटीसी का बेनिफिट। और अगर ये इससे टैक्स कोलेक्ट कर रहा है, वो ज्यादा कर रहा है ना टैक्स, तो ये सिर्फ अपने पार्ट को ही वहां से रख सकता है जितना इसने गवर्नमेंट को पे किया है। जो ये यहाँ से एक्स्ट्रा इसको जीएसटी कलेक्ट होगा, जीएसटी मिलेगा, वो इसे दोबारा गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। वो देखो इसमें है अगले वाले पॉइंट में कि जब होलसेल, तो यहाँ पर आईटीसी का बेनिफिट मैन्युफैक्चरर का नील था क्योंकि उसने पहले कभी टैक्स नहीं पे किया उस गुड से रिलेटेड, उसने सिर्फ 120 रुपये कलेक्ट किए और वो गवर्नमेंट को पे कर दिए। अब यहाँ पर देखो, होलसेलर से जब रिटेलर के पास गया वो गुड्स, तो होलसेलर ने जब उसे खरीदा था तो उसने 120 रुपए का टैक्स दिया था, होलसेलर ने 120 का दिया था, लेकिन जब उसने रिटेलर को वो टैक्स वो गुड्स सेल किए तो उसने रिटेलर से 150 रुपए कलेक्ट किए। तो होलसेलर ने टैक्स दिया 120 का, कलेक्ट किए 150 रुपए, तो पहले तो वो अपने 120 रुपए काटेगा, क्यों, क्योंकि वो गुड्स उसके पास नहीं रहे, सेल होके आगे चले गए, उसने यूज नहीं किया, तो वो 120 रुपए अपने काट लेगा। और जो जीएसटी उसे नेट में पे करना है वो कितना करना है, 30 रुपए का जीएसटी। अब आगे आ जाओ रिटेलर टू कंज्यूमर के ऊपर, जो एक्चुअल में कंज्यूमर ने टैक्स पे किया है वो तो है 190 रुपए,
लेकिन रिटेलर ने कितना टैक्स पे किया है? रिटेलर ने सबसे पहले यहाँ होलसेलर से खरीदते टाइम 150 रुपए दिए थे, और उसने जब कंज्यूमर से कलेक्ट किए 190 रुपए, तो कितने एक्स्ट्रा कलेक्ट किए? 40 एक्स्ट्रा कलेक्ट किए। जो एक्स्ट्रा वाले हैं वो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, और 120 उसने पहले पे कर रखे थे खुद रिटेलर ने, तो अपने काट लेगा, आईटीसी का बेनिफिट ले लेगा, क्योंकि गुड्स कंज्यूमर ने कंज्यूम किए हैं, तो जो ये टैक्स का बर्डन है 190 रुपए का, वो फाइनल कंज्यूमर के ऊपर जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिमूव कास्केडिंग इफेक्ट। मतलब कास्केडिंग इफेक्ट जो टैक्स के ऊपर टैक्स लगता था पुराने सिस्टम के ऊपर, तो जीएसटी ने उसको रिमूव कर दिया गया है, अब सिंगल टैक्स लगता है पूरे कंट्री के अंदर। आई होप आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। और जो ये टैक्स वाला है ना, यहाँ पर टैक्स को कैलकुलेट करने वाला, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। एक तो यहाँ पर आपको आईटीसी वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा अगर ये समझ में आ गया। दूसरा, ये जो स्टेजेस की बात कर रहे हैं हम, ये वाला पॉइंट हो गया, और जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करोगे वहां पर भी ये हेल्पफुल रहेंगे।